हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धवल। दी बेस प्रोजेक्ट मेकर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रोजेक्ट का टाइटल है इलेक्ट्रिक बाइसिकल विथ ऑटो बैटरी चार्जिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यही इलेक्ट्रिक बाइसिकल से बैटरी अपने आप ही चार्ज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमने यह बाइसिकल के अंदर 250 वॉट की PMDC मोटर का यूज़ किया है। साथ ही साथ इसकी बैटरी को ऑटोमेटिकली चार्जिंग करने के लिए इसके अंदर हमने कार का अल्टरनेटर यूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसी हिसाब से हमने उसको सेट किया हुआ है। दोस्तों, उसके साथ साथ हमने बाइसिकल का बैटरी लेवल इंडिकेटर भी दिया है। साथ ही साथ बाइसिकल को चलाने के लिए थ्रॉटल और उसके साथ साथ दोनों साइड की ब्रेक भी हमने दी हुई है। दोस्तों, आप देख पा रहे हो, उसी हिसाब से ब्लू कलर का बटन जो दिया है वो हॉर्न के लिए दिया है। दोस्तों, ब्रेक का दो काम है, एक तो मैकेनिकली वो ब्रेक को एडजस्ट करता है और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेक का भी सिस्टम है, जिससे कि चलते समय मोटर का पावर ब्रेक की मदद से कट ऑफ हो सकता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हो, इसी हिसाब से अल्टरनेटर को हमने साइकिल के टॉप साइड के अंदर माउंट किया हुआ है। दोस्तों, अल्टरनेटर को चलाने के लिए भी इसको इनपुट के अंदर 12 वोल्ट चाहिए, जो हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल की बैटरी में से प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों, अल्टरनेटर का शाफ्ट है, उसके साथ हमने पुली अटैचमेंट की है और पुली को व्हील के साथ अटैच किया हुआ है। दोस्तों, ये जो बाइसिकल हमने यूज़ की है वो सस्पेंशन वाली बाइसिकल है। इसके लिए अल्टरनेटर को भी हमने स्प्रिंग के साथ अटैच करके उसी हिसाब से अटैचमेंट किया है, जिससे कि साइकिल का शॉक एब्जॉर्बर भी इजीली काम कर सके और अल्टरनेट भी व्हील के साथ अटैचमेंट जुड़ा रहे। दोस्तों, ऑन ऑफ स्विच हमने बिल्कुल बैटरी पैक के साइड के अंदर दी हुई है। आप देख पा रहे हो, इसी हिसाब से की की मदद से हम बाइसिकल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, अल्टरनेटर का कुछ वायरिंग इस हिसाब से किया हुआ है, जिससे कि व्हील जैसे ही घूमे उसी टाइम बैटरी के अंदर पावर जा सके और बैटरी चार्ज हो सके। दोस्तों, आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसी हिसाब से जैसे जैसे थ्रॉटल हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे बाइसिकल की स्पीड बढ़ती है और जैसे ही हम ब्रेक लीवर दबाते हैं वैसे ही मोटर का पावर सप्लाई कट हो जाए और व्हील घूमना बंद हो जाए। दोस्तों, इस बाइसिकल के अंदर हमने ऑटो चार्जिंग के लिए अल्टरनेटर का यूज़ किया है। उसका फंक्शन कुछ ऐसा है, जिसको रन होने के लिए इनपुट में 12 वोल्ट चाहिए और दोस्तों वो रन होने के बाद आउटपुट में हमको 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट DC में दे सकता है। दोस्तों, उसका कुछ वायरिंग इस तरह से किया है कि जो इनपुट में 12 वोल्ट लेके आउटपुट में हमको मैक्सिमम 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट दे सके। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, ये e-bike 24 वोल्ट DC के ऊपर काम करती है, जिसको हमने दो बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करके 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट किया हुआ है। दोस्तों, अल्टरनेटर को इनपुट में 12 वोल्ट देने के लिए हमने इसके अंदर स्टेप डाउन कन्वर्टर का यूज़ किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप डाउन कन्वर्टर 24 वोल्ट में से 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके अल्टरनेटर के इनपुट में भेजेगा। दोस्तों, आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसी हिसाब से वायरिंग कुछ की गई है। दोस्तों, ये इनपुट के अंदर स्टेप डाउन कन्वर्टर इनपुट में 24 वोल्ट लेगा और आउटपुट में 12 वोल्ट देगा, जो वायर के थ्रू अल्टरनेटर के इनपुट में जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटर जो आउटपुट में हमको 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट देगा वो स्टेप अप कन्वर्टर के अंदर आएगा। जी हाँ दोस्तों, वायरिंग में आप देख पा रहे हो, उसी हिसाब से स्टेप अप कन्वर्टर 12 वोल्ट का 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और वो वोल्टेज बैटरी को वापस भेजेगा, जिससे कि बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, उसका कनेक्शन कुछ ऐसे किया गया है, जब साइकिल रनिंग कंडीशन में होगी तब उसका व्हील घूमेगा। उसका व्हील घूमने की वजह से अल्टरनेटर की पुली ड्राई होगी, जिससे कि अल्टरनेटर घूमेगा और उसका पावर स्टेप अप होके 24 वोल्ट बन के बैटरी के अंदर रिस्टोर होगा। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, ये अल्टरनेटर से बना हुआ पावर बैटरी को 100% चार्ज नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, हमारी बैटरी चार्ज होगी लेकिन 30-40% ही, जिससे कि हमारी बाइसिकल की स्पीड और उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे हमको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिक बाइसिकल ऑटो चार्जिंग सिस्टम वाली होती है और हम वो बनाते हैं तो उसके अंदर कभी भी 100% हमको बैकअप नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ दोस्तों, हमको उसकी मदद से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूरी होता है।
तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से पूरी बाइसिकल रन होती है। दोस्तों, इस बाइसिकल के अंदर हमने 250 वॉट की PMDC मोटर का यूज़ किया है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अंदर हमने 12 वोल्ट 12 एम्पियर की दो लीड एसए बैटरी का यूज़ किया है, जिसकी मदद से हमको मैक्सिमम डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक का मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, 250 वॉट की PMDC मोटर से हमको 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल सकती है। अगर दोस्तों ये प्रोजेक्ट से आप कुछ सीख पाए हो, आपको कुछ न्यू आइडिया मिल पाया हो, तो प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग और बहुत सारे वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स भी इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को एक विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।